जय श्री राम। मैं हूं पवन यादव अयोध्या से। गाइस अभी मैं हूं अयोध्या के NH-27 पे और अभी मैं आपको एक नया निर्माण दिखाता हूं, आपको एक नया पथ दिखाता हूं, वो हाईवे दिखाता हूं। ये देखें, यहां पर पेट्रोल पंप है और बगल में ही अयोध्या का नया बस स्टैंड है। ये अयोध्या नया बस स्टैंड है और यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। पहले ही आप रेलवे स्टेशन, अरे सॉरी, ये बस स्टैंड देखो, नया बस स्टैंड देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर कैंटीन वगैरह है इधर साइड, और इधर साइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो जितनी भी बस है ना इलेक्ट्रिक वाली, सारी चार्ज होती है। ये स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया था पूरा, अभी भी है, बहुत सारे हैं। और यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये बगल से एक रास्ता गया हुआ है। ये रास्ता सीधे ना अंबेडकर नगर रोड पे निकलता है, यानी जो अंबेडकर नगर यानी NH-27 यानी देवकाली बाईपास से रोड गई हुई है, उस रोड पे ये निकलता है। और ये नया निर्माण हो रहा है, आपने देखा अयोध्या का बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बाद ही आपको देखने को मिलेगा इधर टेंट सिटी। बाकी जो टेंट सिटी है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से था, निःशुल्क था, तो आचार संहिता चल रहा है, इस वजह से सारे चीज़ें हटाई जा रही हैं। आप जो देख रहे हो ना ये रास्ता, ये रास्ते का निर्माण भी चल रहा है। अभी देखेंगे बहुत सारे बालू घाट जो हैं वो इस टाइम स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है इस वजह से, और बहुत सारे जो बालू हैं वो निकलते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अभी आप देखो कितना ज़्यादा धूल भी उड़ रहा है, ये ट्रकें बड़ी बड़ी आती हैं और इस तरीके से धूल जो है मचा के जाती हैं भाई। देख रहे हो क्या खतरनाक धूल है, इस तरीके से धूल रहता है भाई। खतरनाक वाला। तो और आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं इधर। ये आप देखो कितना ज़्यादा बालू है यहाँ पे। इस रास्ते का निर्माण चल रहा है बहुत दिनों से, और मे भी मुझे लगता है कि इलेक्शन बाद ही इसका जो निर्माण है वो फिर से होगा। और यहाँ पर बहुत सारी प्लॉटिंग भी चल रही थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर रोका गया है। अगर आपको ज़मीन चाहिए अयोध्या में तो मुझे कॉन्टेक्ट करना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर अबाउट में है यूट्यूब के, ठीक है, आप वहाँ से SMS कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप। तो अभी आप देखो ये फसल है ना गेहूँ का, यहाँ कटाई वगैरह चल रही है इधर साइड, और ये पूरा आप चेक करो। यहाँ पर ना जो बांध बनने के लिए बहुत सारे बोल्डर जो है, बड़े बड़े पत्थर जो है वो आए हुए हैं, तो इसको बहुत तगड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। ये आप देखो, देखिए वहाँ पर भी कुछ नया निर्माण चल रहा है, ऐसे ऐसे निर्माण जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। और आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं इधर। देखिए ये जो बगल में आपको ये हाईवे दिख रहा है, छोटा सा रोड दिख रहा है, ये चौड़ीकरण हुआ है इस रास्ते का, और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चौड़ा होने वाला है। अब देखोगे काफ़ी ज़्यादा इसको चौड़ा कर दिया गया है चौड़ीकरण में। और भी आगे चलते हैं दिखाते हैं, बहुत सारा खेती किसानी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है इधर साइड। और गाइज ये चौड़ीकरण देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरीके से हो रहा है, देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा ये हाईवे बनेगा, मे बी ये 6 लेन बने, मे बी 6 लेन ये बन सकता है या 4 लेन बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पूरा ये माझा में आता था, ये बांध है, और बांध के बगल में ही ये निर्माण ये जो है इसका चल रहा है। ये आप देखो, देख रहे हो खतरनाक तरीके से भाई हाईवे जो है पूरा बन रहा है। देखिए देख रहे हो, तो बहुत ही जल्द ये भी मे भी लग रहा है ये तैयार भी हो जाएगा। और भी इधर दिखाते हैं आपको, जितना आप इधर साइड देख रहे हो ना,
पूरा किस तरीके से बना दिया गया है। आगे चलते हैं, जहाँ तक ये बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सीधे अम्बेडकर नगर जाएगा और इसके बीच में बहुत सारे गांव जो हैं, कुछ गांव जो हैं ऐसे आएंगे जैसे बिल्लाहारी करके, ये सब गांव की चौड़ीकरण होगी और गांव के बहुत सारे घर जो हैं वो भी टूटने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो इधर साइड आप पूरा चौड़ीकरण आप देख सकते हो, ये बांध और ये दोनों एक हो जाएगा। मे बी इसको काफ़ी ऊँचा रखा जाए और उसको थोड़ा नीचा रखा जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बांध है और इधर साइड रिवर है, तो जब बारिश वगैरह आती है ना, बाढ़ वगैरह, तब ये पानी ज़्यादा हो जाता है इधर। तो मे बी इधर ये बनाया जा रहा होगा और आने वाले टाइम पे मे बी शायद और आगे जाके बांध बन जाए रिवर फ्रंट। और भी आपको दिखाते हैं इधर साइड, देख रहे हैं ना पूरा ये इस तरीके से गेहूं की कटाई वगैरह भी हो रही है और हाईवे भी देखिए ज़बरदस्त तरीके से बन भी रहा है। और इसके बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसा कि आप रोड देख रहे हो ना बन रहा है। और यहाँ पर एक सोलर पूरा प्लांट जो है, सोलर प्लांट पूरा लगा हुआ है। तो अभी देखो यहाँ मिट्टी के ऊपर पानी वगैरह डालने का काम हो रहा है और जब एक बार बारिश हो जाएगी ना तो ये बैठ जाएगा तो सही हो जाएगा पूरा, देखिए। और ये आई थीम पार्क है जहाँ पर वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू बनेगा हमारे प्रभु श्री राम जी का। और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है ये दिखता है, देखिए बहुत ख़तरनाक तरीके से धूल जो है वो उड़ रहा है, देखिए किस तरीके से जो है मिट्टी यहाँ जा रही है रोड बनने के लिए। देखो भैया ख़तरनाक तरीके से धूल उड़ रहे हैं और आज तक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा सरक रहा है ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे रोड पे जब से निर्माण चल रहा है इस हाईवे का। देखिए यहाँ पर वायर वगैरह भी बिछ गए हैं पूरे। और गाइस पहले ये पूरा जंगल ही जंगल है पूरा, लेकिन अब देखो कितना ज़्यादा सही हो गया पूरा ये। और बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ से भी निकाली जा रही है रोड निर्माण में, इधर साइड से आप देखो पूरा। तो कौन कौन इधर से आया है कमेंट करना। और ये सीधे रास्ता जो अम्बेडकर नगर रास्ता जाता है, आप कहीं भी शहर में निकल सकते हो इस रास्ते से भी। इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है, देखो इधर ना कितना ज़्यादा ऊपर कर दिया गया है रोड को, तो मे भी बनते बनते ये ना पूरा एक बराबर हो जाएगा ये रोड। और आगे चलते और भी दिखाते हैं इधर, देखो देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं पूरे अयोध्या में। इधर साइड आप देख सकते हो पूरा किस तरीके से बने हुए हैं, ये देख हमारे राइट हैंड साइड ही जो है पूरा निर्माण जो है वो चल रहा है। इधर साइड और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लाटिंग जो है वो हुआ है, जो है कंपनी जो है उसने किया, लोधा कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बड़े एकड़ में ज़मीनें जो हैं वो पूरा हायर की हुई हैं। देखो जिसमें कि अमिताभ बच्चन जी का भी प्लॉट है इसमें, तो भैया सेलिब्रिटी भी ले रहे हैं यहाँ पर भी कुछ जो है चल रहा है इधर, देखो देख रहे हो ना पूरा। जब ये पूरा गेहूं कट जाएगा तब यहाँ निर्माण जो है चलने लगेगा पूरा। आप देखो ये पूरा जितना एरिया आप देख रहे हो ना सब लोधा ने लिया है, ये 7-स्टार डेवलपर है ये, देखो बड़े बड़े जगह पे इसने पूरा जो है डेवलप किया है पूरा एक सोसाइटी डेवलप करते हैं ये लोग।
और गाइस मैं अभी उसी बांध पे हूँ, और बांध पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं अयोध्या के बाहर भी, थोड़ा सा बाहर ये बांध बना हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था। इधर साइड से रोड बन रहा है, और हमारे पीछे इधर साइड आप देखोगे तो पूरा रोड यहाँ पर निर्माण चल रहा है। ये देखिए, ये पूरा मैंने आपको दिखाया था। और ये जो है लोधा कंपनी है, लोधा कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, डेवलपर है, और ये पूरा डेवलप करके ये पूरा जो है एरिया देगा। और इसमें अमिताभ बच्चन जी ने भी लिया, कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। तो आप अयोध्या में अगर प्लॉट लेना चाहते हैं या अगल बगल भी प्लॉट ले रहे हो तो बहुत ही ध्यान से ले, सब कुछ देख दाख के ले, ठीक है। इसमें सरकार भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ज़मीनें वो ले रही हैं भाई, ये चीज़ है। इसलिए आप बहुत ही देख के, बहुत ही सोच समझ के ज़मीनें लें। अगर आपको ज़मीन की चाहिए, मेरा भी कई जगह मेरी भी प्लॉट है, अगर आपको प्लॉट चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करना, व्हाट्सअप नंबर अबाउट में है, जाकर और मैसेज कर सकते हो, और मैं सही जानकारी दूंगा और सही प्लॉट दिखाऊंगा। तो ऐसे छोटी सी जानकारी थी। और अभी आप देखो पूरा एरिया, ये खेती किसानी यहाँ पर होती रहती है इधर साइड, और ये इन्वायरमेंट चेक करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट यहीं का अच्छा लगता है, ये हरियाली, ये छाँव देखना भाई आनंद आ जाता है। और यहीं पर ही कहते हैं कि आई थिंक पार्क पे ही जो है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू प्रभु श्री राम जी की जो है वो भी बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी आने लायक नहीं है इस रास्ते पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी ये है, क्योंकि ये हाईवे जो है, ये हाईवे आप ये हाईवे देख रहे हैं, ये और ये पूरा बन रहा है, और ये डेवलपर है। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो भी बची हुई हैं, बहुत जगह विवाद भी चल रहा है। तो सोच समझ के हर एक चीज़ करें अयोध्या में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।